हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जीरोस एंड रिलेशनशिप के बारे में, एंड उसके बाद हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जो कि हमारा इस चैप्टर नंबर 2 का आपके पास जो है एक पार्ट आपने ख़त्म कर लिया। ठीक है, एक पार्ट हमारा वहीं ख़त्म हो गया कि जीरोस फाइंड करना यार, उसके विद रिलेशनशिप वेरीफाई करना और फॉर्मेशन, ठीक है, कि पॉलीनोमियल को कैसे फॉर्म करते हैं इफ जीरोज आर गिवन, या फिर जो सम ऑफ जीरोज एंड जो होता है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो गिवन होता तो हम कैसे फॉर्म करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में अब तक कर लिया। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, ठीक है, इस टॉपिक के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये टॉपिक करना उससे पहले बहुत जरूरी है, यानी मेनली है डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स। ठीक है, लेकिन डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स का भी एक रूल होता है जिसको हम डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ये आपने पहले से ही पढ़ा हुआ चीज है। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बात किया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, सपोज आप 20 को 3 से डिवाइड करते थे तो 3 6 जा आपके लिखते थे 18 और रिमाइंडर आ जाता था 2। ठीक है, तो फिर आप ये देखते थे कि ये जो इधर वाला है इसको हम क्या बोलते थे, डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड होता था, और इसको क्या बोलते थे हम, डिवाइजर। ठीक है, और जो हमारा आंसर आता था डिवाइड करके उसको हम क्या बोलते थे, कोशेंट। ठीक है, ये हमारा कोशेंट हो जाता था, और यहां पे जो रिमेनिंग हो जाएगा उसको हम बोलते थे रिमाइंडर। ठीक है, जनरली ये हमारा किसी भी नंबर को जब हम डिवीजन करते हैं नंबर्स पे तो हमारे पास ये चार चीजें जो है वो हमारे पास हमेशा लिंक करती है, डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है वो डिवाइजर, और जो डिवाइड करके अपने पास आंसर आता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट, एंड जो यानी अनवांटेड जो रह गया नीचे जो डिवाइड नहीं हो पाया एक्स्ट्रा जो रह गया दैट इज रिमाइंडर, यानी रिमेन है ना जो रह गया। तो यही चीज तो हमने एप्लीकेबल थी नंबर्स के मामले में, और यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई डिविडेंड जो होता है, ठीक है, डिविडेंड जो होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत छोटी क्लास ऐसे आप करते आ रहे हैं, जब जब आप डिवाइड करते हैं तो ये चीज होती है। देखो डिविडेंड क्या था हमारा 20 था, डिवाइजर क्या है 3 था, ठीक है, कोशेंट 6 और रिमाइंडर क्या था प्लस 2। तो आप देखेंगे कि दोनों साइड आपके पास इक्वल आने वाली चीजें, देखिए 6 3 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो देखिए बेटा 20 इज इक्वल टू 20 आ गया, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, क्वेश्चन। आप ऐसा ही एग्जैक्ट कुछ करते थे जब आप छोटी क्लासेस में होते थे, फोर्थ क्लासेस ऑनवर्ड्स आई थिंक जब आपने डिवीजन स्टार्ट किया था थर्ड फोर्थ में, तो तब से ही आप ये चीजें करते आ रहे हैं, ये नई चीज नहीं है। लेकिन नई यहाँ पे क्या है, हमें सारा का सारा ये जो काम करना बेटा वो करना है हमें पॉलीनोमियल्स में। ठीक है, हमें ये जो चीज पढ़ी थी, हमने ये नंबर्स में पढ़ी थी, या फर्स्ट चैप्टर में जो रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था उसमें भी हमने इस तरह से कुछ किया था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ऐसा ही पढ़ा था, एक नंबर दूसरे नंबर ये डिविडेंड होता था, डिवाइजर कोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है, दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं q एंड r सेटिस्फाई, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लेकिन अब जो हम करने वाले यही चीज वो किसमें करने वाले, पॉलीनोमियल्स में। तो ठीक ठीक आपके पास क्या होगा, एक पॉलीनोमियल होगा सपोज p ऑफ x है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे एक दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं, सपोज दैट इज g ऑफ x, ये हम नेम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक पॉलीनोमियल p ऑफ x है जिसको डिवाइड करना है, जो डिविडेंड है ये डिवाइजर हो गया। ठीक है भाई, जब कुछ डिवाइड करेंगे आंसर जो भी आएगा दैट इज कोशेंट, कोशेंट आएगा ना, तो कोशेंट को हम मान लेते हैं q ऑफ x। ठीक है, यानी पॉलीनोमियल है तो इन x वेरिएबल में लिखेंगे ना, तो वेरिएबल सबका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब जो भी यहां पे डिवाइड करके कुछ तो रहेगा ना रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा
को जो डिवाइजर होता है उससे तो छोटा रहता है। ये हमारा रूल होता था कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा या जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो रिमाइंडर रहेगा, ठीक है, ये इससे छोटा का मतलब क्या हुआ, अब नंबर में तो देंगे नहीं आप, यहाँ पे तो हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल होगा, लेकिन यहाँ जो हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे इसकी जो डिग्री होगी वो इसकी डिग्री से कम होगी। ठीक है, डिग्री तो जानते हैं ना पॉलिनोमियल की, जैसे ये अगर क्वाड्रेटिक यहाँ पे होगा तो ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक या इससे क्या होगा, मतलब ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्यूबिक होगा। ठीक है, तो यानी इसकी जो डिग्री है वो इसकी डिग्री से छोटी होगी। ठीक है, इसको हम एग्जांपल्स में बात करेंगे, लेकिन हम इधर कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम, तो डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नहीं है, यही वाला डिवीजन एल्गोरिदम है, और इसको जब हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पॉलीनोमियल की फॉर्म में। तो देखिए बेटा, डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड हमारा क्या था, पी एक्स। ठीक है, डिवाइजन क्या है, जी ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू क्वोशेंट इज Q ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर इज आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास एक एल्गोरिथम बच गया, यानी एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मेट बना है इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, क्या कहेंगे बेटा, इट इज ए डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, जो ये जो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला था वही हमारा डिवीजन एल्गोरिदम होता है। तो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में देखेंगे तो ये चीज हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशेंट है, और यहाँ एक आएगा जो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो लेट अस टेक एग्जाम्पल। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिवाइड करके बताएंगे आपको कि कैसे इसको डिवाइड करना है, और क्योंकि डिवाइड करना मेन चीज है। देखिए कई कई बच्चों को ये 8th क्लास ऑनवर्ड, 8th 9th में दो बार डिवीजन हो चुका है, बट फिर भी कई बार होता है कि एलजेब्रा है आपके पास, पॉलिनोमियल का डिवीजन आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मे भी हो सकता है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ सीखने को यहाँ से मिल जाए। ठीक है, अभी तक आपने नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, अब इस क्लास के बाद आप चीज समझ जाएंगे, ठीक है, कि आपको ये चीज डिवाइड करना आना है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो अभी हम सीख लेंगे इसको। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ तक तो हाँ ऐसे ऐसे कुछ कर लेंगे, बट जब तक कि आप कंप्लीट फॉर्मेट नहीं करोगे बेटा, एग्जाम्पल्स नहीं करोगे, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीज़ जो है मजबूती के साथ पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, तो लेट्स डू क्वेश्चंस। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल्स के आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसको डिवाइड करना है, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो लेट्स टेक एक सिंपल प्रॉब्लम्स ले लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, आपको क्या करना है, रिमाइंडर भी करना है, क्वोशेंट भी निकालना है। फाइंड, ठीक है, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन व्हेन एक्स क्यू या एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4। ठीक है, ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए कई बार ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऑल्सो वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, या ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय यूजिंग योर डिवीजन एल्गोरिदम।
ठीक है, तो एक ही बात है, आपको कैसे बाद में आंसर भी आपका वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको कैसे इसको डिवाइड करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इस तरह से डिवाइड का साइन लगाना है, और जिसको डिवाइड करना है ये हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स रेज टू पावर फोर, देखिए इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले ज्यादा पावर वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो पहले आप देख लीजिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, और देखिए बीच में गैप तो नहीं है कहीं। देखिए यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 नहीं है, फिर डायरेक्टली 0 है, ठीक है। तो 1 नहीं है ना बीच में, एक्स वाली कोई टर्म नहीं है, सीधे डायरेक्ट कॉन्स्टेंट टर्म आ गई आपके पास। तो एक इसके पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह आप मैंने फ्यूचर के लिए छोड़ के रखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखना है उसके लिए मैं बता देता हूँ। पहले 4 वाली पावर, फिर 3 वाली, फिर माइनस 4x स्क्वायर, फिर थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे प्लस 3, ठीक है। यानी x वाली टर्म के लिए छोड़ दिया, अगर अपने पास x वाली नीचे बन जाती है तो इसके नीचे लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए अब डिवाइड किससे करना है, x माइनस 4 से, ठीक है, x माइनस 4 से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे डिवाइड करना है, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, हमें कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप साइड में एक लाइन लगा देंगे सबसे पहले, रफ लाइन, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे पहले। आपको करना क्या, देखिए बेटा इसकी आपने पहले क्या, सबसे नंबर वन बात, डिक्रीजिंग पावर में इसको लगाना है, पहले 4 पावर वाला, फिर 3, फिर 2, फिर ऑलरेडी बना हुआ है अपने पास, ठीक है। और ये भी, ये इसकी पावर कितनी है, 1 है, फिर 0 है, ठीक है, नहीं एक्स नहीं है यहाँ। तो सबसे पहला ख्याल आपको यही रखना है कि डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, पावर की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये जो डिविडेंड है उसमें कोई बीच में गायब तो नहीं है टर्म। देखिए ये 4, 3, 2, फिर 1 वाली गायब थी, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह बचा के रखना है, छोड़ के रखना है, कभी भी फ्यूचर में काम आ सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि बाद में टर्म आएगी तो उसको कहाँ रखोगे आप, साइड में लिखते हैं कई बार बच्चे, तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, ठीक है, कटिंग नहीं होती। अब आपको क्या करना, देखिए प्रोसेस मैं बता देता हूँ, वही प्रोसेस रिपीट करेगा बार बार। पहले सबसे पहले डिविडेंड जो है उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, एक्स रेज टू पावर 4 है, तो उसको आप साइड में लिख देना है, एक्स रेज टू पावर 4 फर्स्ट टर्म, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, ठीक है। फिर से सुनो क्या किया मैंने, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड ही तो करना है अपने को। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, ये इसकी फर्स्ट टर्म ये, तो इससे इसको क्या किया, डिवाइड किया, और देखिए क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना। आप एक x काट दोगे तो कितना बचेगा, x क्यूब बचेगा, ठीक है ना। अगर किसी को, बच्चों को समझ में नहीं आता ना कई बार, तो इस x को क्या लिख सकते हो आप, x into x into x into x और नीचे x, यही तो है ना, ये x raised to power 4 यानी 4 times x multiply हो रहा, तो एक बार x से multiply कर दिया तो कितनी बार रहेगा, 3 बार, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो x की पावर 3, ठीक है। तो अब ये जो डिवाइड करके आया है इसको कहाँ लिखना है आपको, यहाँ लिखना है बेटा, कहाँ लिखना है, यहाँ कहाँ, कोशेंट में लिखना है, ठीक है, कोशेंट में स्टार्ट करना है, जो डिवाइड करके आएगा आंसर वो कोशेंट में लिखते जाना। अब एक और बात, अब जैसे ये डिवाइड करके आया ये वाली चीज, इसको इस पूरे को जो भी टर्म यहाँ पे लिखी उसको पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, डिवाइजर से, डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस 4 कंप्लीट, ठीक है। तो इसको पूरे को क्या करना है, x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा उसको इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x क्यूब इंटू x, तो यहाँ देखिए पावर 1 है, तो 3 बार यहाँ x मल्टीप्लाई होगा, एक और बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बार हो जाएगा, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर माइनस का साइन माइनस का आ गया, और x क्यूब इंटू 4 तो 4x क्यूब यही आएगा, देखिए ना 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x क्यूब से, तो 4 तो रहेगा ही नंबर, नंबर तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब आ गया, तो आपके पास क्या आ गया, x रेज टू पावर 4, और इसको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना, देखिए x की पावर 4 की नीचे x की पावर 4 और माइनस माइनस 4x क्यूब, ठीक है, x क्यूब के नीचे x क्यूब वाली टर्म आ गई
और x raise to power 4 के नीचे x raise to power 4 आ गया, ठीक है। और एक डंडा लगा देना इस तरह से, एक लाइन लगा देनी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। अब आपको क्या करना, देखिए इससे इसको माइनस करना है, माइनस करना है। तो देखिए जब इसको माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस करना तो प्लस का होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे साइन बदली कर देना, क्योंकि यहाँ तो कोई साइन होगा, यहाँ देखिए माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो साइन चेंज करना है। तो देखिए x रेज़ टू पावर 4 से x रेज़ टू पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल, ये इसी से इसी को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। तो नेचुरली हर बार जब भी हम करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो कट जाएगी, ठीक है, जीरो हो जाएगी। और अब क्या करना आपको, देखिए x क्यूब टर्म तो x क्यूब की ही चलेगी, मटेरियल तो x क्यूब ही है, ठीक है, लेकिन कितना x क्यूब आएगा अब आपको यहाँ पे नंबर से नंबर को करके देखना है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे प्लस टू है और नीचे प्लस फोर है, क्योंकि देखिए माइनस साइन था, कभी था हिस्ट्री में, लेकिन अब क्या बन गया है, प्लस बन गया है, ठीक है, क्योंकि जब साइन चेंज हो जाता है जब आप माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाता है, ऐड हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 6, कितना हो गया 6। तो x क्यूब तो उतर ही जाएगी, x क्यूब के नीचे तो x क्यूब ही जाएगा बेटा, वो तो टर्म वही है, मटेरियल तो वही रहेगा, तो लेकिन कितना रहेगा अमाउंट, यहाँ पे 6 आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको एज इट इज उतार दो, तो क्या क्या बच गया यहाँ से, माइनस 4x स्क्वायर और थोड़ा सा दूर लगा के 3, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। आपने क्या किया, एक पहली टर्म तो कैंसिल हो गई और जो x क्यूब की टर्म थी x क्यूब के नीचे x क्यूब लिख दिया, और यहाँ इन दोनों को इवेलुएट कर दिया, मतलब ये दोनों प्लस माइनस करने पर जो भी आएगा प्लस 2 प्लस 4 तो प्लस 6 हो गया, ठीक है, और बाकी टर्म्स को एज इट इज उतार दिया। अब रिपीट सेम स्टेप, अब इसी स्टेप को आपको क्या करना है, रिपीट करना है फिर से। तो देखिए रिपीट कैसे करना है, इस स्टेप में आपके पास फर्स्ट टर्म और इस स्टेप में फर्स्ट टर्म, देखिए इधर फर्स्ट टर्म क्या है, 6x³, ठीक है, फर्स्ट टर्म 6x³ है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो आप डिवाइड करिए बेटा क्या आएगा, देखिए 8x से ये x कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 6x² आएगा, क्लियर। अब जैसे ही 6x² आया तो किसका आया, प्लस का है माइनस का है, प्लस का ही आएगा क्योंकि दोनों साइन प्लस के थे, तो यहां में आपको क्या लिखना, प्लस 6x² लिख दिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जैसे ही इधर लिखते हैं उस टर्म से आपको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही इसको लिखा उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई, डिवाइजर क्या था अपने पास, x माइनस 4, ठीक है ना, समझ आ रहा है, जैसे ही इधर लिखना उस टर्म को बिल्कुल इससे x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना। देखिए तो अब इसको पहले इससे करेंगे, तो देखिए 6 × 6 = 6, x² × x, दो बार x तो यहाँ है एक और इधर है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक 6x³ हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस का साइन है, 6 × 4 = 24 × x² × 1 x², ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 6 × 4 = 24 x², ये वाली जो टर्म आई, देखिए इसको हम यहाँ पे अरेंज करना है, देखिए 6x³ के नीचे तो 6x³ और माइनस 24x² के नीचे ये, फिर डंडा लगा देना है, लाइन लगा दिया, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो गया, ये फिर प्लस का हो गया, साइन चेंज कर दिया, ये देखिए सेम, ये चीज और ये चीज सेम है, एक बार प्लस की एक माइनस की, तो ये तो हमेशा जीरो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ x² की टर्म है तो x² के नीचे तो x² ही रहेगा, लेकिन कितना x² आएगा, ठीक है, या माइनस का 4 है या प्लस का 24 है, तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 24 से 4 चले गए तो 20 आएगा, लेकिन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, तो देखिए बड़ा कौन है, ये माइनस का 4 है और प्लस का 24 है, नया साइन देखा जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला नहीं, प्लस का, तो 24 प्लस का, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और बाकी टर्म्स को एज इट इज आप उतार लो, तो प्लस का 3 बचा वो उतार लिया, ठीक है। अब देखिए फिर से इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, रिपीट सेम स्टेप, तो 20x² / x, x से डिवाइड कर दिया, तो इस बार अपने पास ये कट गया, तो कितना बचा बेटा, 20x आ गया, देखिए प्लस का 20x, ठीक है। अब जैसे ही 20x करें फिर से किसको मल्टीप्लाई करना, x माइनस 4 को करेंगे,
ठीक है, सेम स्टेप रिपीट, स्टेप तो वही है, बस आपको काम करते जाना है, ठीक है। देखिए 20 इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 24 जा 80 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इसको यहीं पे लिख देना, देखिए 20 एक्स स्क्वायर के नीचे 20 एक्स स्क्वायर और माइनस 80 एक्स, या यहाँ पे मैंने ये कहा था, देखिए कभी तो भविष्य में एक्स की टर्म आएगी ना, इसीलिए जगह खाली छोड़ रखी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब एक्स आता तो किसके नीचे लिखते, तो 3 तो एक्स का टर्म नहीं है, 3 तो कॉन्स्टेंट है, तो ये अगली टर्म थी। तो अब देखिए साइन चेंज कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, और ये ऊपर तो एक्स की टर्म थी नहीं, तो यहाँ माइनस प्लस प्लस हो गया। देखिए 20x प्लस 3, ठीक है, बस एक बार और करना है, क्योंकि अभी देखिए इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x की पावर 1, x की पावर 1, तो जब तक भी डिग्री इससे कम नहीं हो जाती तब तक डिवाइड होगा, ठीक है, तो एक बार और डिवाइड होगा अभी, ठीक है, 80x डिवाइड बाय x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 बचेगा, 80 बच गया ना, तो यहाँ पे कहाँ लिखेंगे 80 को, प्लस 80, ठीक है, ये आपके इधर कोशेंट पे लिखेंगे, और 80 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, सेम वही काम जो यहाँ लिखते हैं उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 80 इंटू एक्स 80x हो गया, और माइनस 84 का 32 320, ठीक है, तो ये हो गया, देखिए 80x माइनस 320, ठीक है, साइन चेंज करोगे तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो कट गया, और देखिए प्लस 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 होता है, तो ये हो जाएगा 323, क्लियर, दोनों को प्लस कर दिया तो साइन भी प्लस का आ गया 323। अब देखिए ये वाले जो टर्म है इसकी जो पावर है, अब x तो बचा ही नहीं ना, कांस्टेंट टर्म आ गया, तो अब x की पावर कितनी होगी, 0, जब x बचा ही नहीं तो x की पावर कितनी होगी, 0, और यहाँ पे x की पावर कितनी थी बेटा, 1, तो देखिए जब तक की डिग्री कम नहीं हो जाती तब तक डिवाइड करना है, ठीक है, अभी देखिए डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो एक कम हो गई ना, तो इसका मतलब डिविजन कम्प्लीट, ठीक है, अब डिवीजन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये क्या आ गया, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, और ये डिवाइजर था ये, ठीक है, तो अपने को आंसर क्या निकालना था, रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालना था, तो देखिए देयरफॉर क्वेश्चन यानी क्यू ऑफ एक्स अपने पास कितना आया बेटा, आंसर एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 80, ठीक है, ये अपने पास क्यू एक्स आया, और रिमाइंडर क्या आया बेटा, रिमाइंडर इज 323, रिमाइंडर 323, तो ये अपने पास आंसर आ गया और ये रिमाइंडर आ गया, लेकिन अभी हमें क्या करना था, आल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, आइए तो देखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वेरीफाई करके आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है, तो आप देखिए क्या करना है वेरीफाई आपको, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये तो 80 था ना ये, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये चीज देखिए क्यू एक्स इंटू आर एक्स, ये जी एक्स और आर एक्स को क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस आर एक्स करेंगे, ठीक है, तो नाउ, तो बोलिए नाउ क्या, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये लेके चलेंगे, किसके बराबर आना चाहिए, पी ऑफ एक्स के बराबर, यानी डिविडेंड के बराबर आना चाहिए अपना, ठीक है, तो देखते हैं जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स माइनस 4, डिवाइजर ये था ना, और कोशेंट ये आया, कोशेंट आया एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 80 और प्लस का 323, ये तो आपके पास रिमाइंडर है, ठीक है, सबकी वैल्यू डाल दी, अब आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कितना आता देखते हैं, पहले x से सबको करेंगे, x से इन सबको करेंगे, फिर उसके बाद माइनस 4 से मल्टीप्लाई सबको करेंगे, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, और प्लस 323 अलग है, देखिए x इंटू एक्स रेस्ट पावर 3 कितना हो गया, एक पावर बढ़ जाएगी मल्टीप्लाई करने से, प्लस ये प्लस का ये प्लस का, तो 6 1 6 एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो गया x3, देखिए ना पहले एक्स से सबको करेंगे, एक एक पावर बढ़ जाएगी सबकी, ठीक है, तो देखिए एक्स से अब इसको करेंगे तो ये तो प्लस 20
एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है, और प्लस का 80 इंटू एक्स 80x हो गया। अब माइनस 4 से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब ठीक है, फिर माइनस 4 6 जा माइनस 24 और एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 24 था 80 माइनस का माइनस का 80 क्या x, उसके बाद माइनस 8 4 जा 32 ठीक है, माइनस का 320 यही आया, माइनस 8 4 जा 32 320 और प्लस का क्या है, ये वाली चीज अलग ही टर्म में रखी जाएगी 323 ठीक है। अब देखिए कितना बनता है, ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेम सेम टर्म अरेंज, 4 वाली पावर तो एक ही है अपने पास, ये तो सेम रहेगी, तीन वाली कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है, तो जो जो सेम लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। देखिए इधर भी x क्यूब है, इधर भी x क्यूब है, लेकिन कितने, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तो 6 में से 4 चली गई तो 2 बचेगी प्लस की, तो इधर आ जाएगा प्लस का 2x क्यूब ठीक है। अब दो वाली देख लेते हैं, एक ये है एक ये है ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना 24 में से 20 गए 4, साइन किसका रहेगा देखिए जो बड़ा है, तो माइनस का, तो माइनस का 4x स्क्वायर, 24 से 20 चली गई 4 बची x स्क्वायर ठीक है। अब x वाले देख लेते हैं, देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, 80x माइनस 80x 0 ठीक है, और ये दोनों बच गए थे, तो इन दोनों से क्या बच गया प्लस का 3 आ गया, आया ये नहीं, 323 से 320 माइनस हो गए, प्लस माइनस माइनस है, बड़े का साइन लगेगा तो प्लस का 3 आ गया ठीक है। यस, अब आप चेक कर सकते हैं क्या बेटा, मुझे बताओ क्या ये चीज और ये चीज सेम है, सेम है ना, तो देखिए ये क्या आया अपने पास, ये पी एक्स था, पी ऑफ एक्स था ना ये डिविडेंड ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास पी ऑफ एक्स ठीक है। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे कि ये चीजों का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम आर एक्स प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए पी ऑफ एक्स, तो देयरफॉर वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया जी ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स ठीक है, तो दिस इज वेरीफाइड है ना, हम लिख सकते हैं हैंड्स वेरीफाइड ठीक है। तो देखिए ये है तरीका काम करने का, डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है, आप डिवीजन कैसे करना है ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि डिवीजन करने का तरीका क्या, पहले डिवाइड करना है ठीक है, आपके पास दो पॉलिनोमियल दिया होगा, एक तो पी एक्स ले लेंगे जिसको डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है उसको हम जी ऑफ एक्स ले लेंगे ठीक है, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, और जो कोशेंट और रिमाइंडर आएंगे उसके बाद आपको क्या करना, अगर वेरीफाई करने के लिए बोला है तो ही वेरीफाई करना, अदरवाइज नहीं करना ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए बोला होगा तो आपको ये वेरीफाई करना है कि जो कोशेंट और जो डिवाइजर होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर उसमें ऐड करना है, तो करके देखेंगे तो आपके पास किसके बराबर आना चाहिए, ये जो बीच वाला पी एक्स है इसके इक्वल आना चाहिए, तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपका आंसर सही है ठीक है, या कोई आपने मिस्टेक की हुई है आप चेक कर सकते हैं ठीक है। तो दिस इज द वे है ना कि हाउ टू डिवाइड द पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल ठीक है, एंड हाउ वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम ओके। इसके हम सेकेंड पार्ट में भी आपको अभी और क्वेश्चंस करवाएंगे ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले प्रोसेस बताया आपको करने का ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को आप डिटेल में रिवाइंड करके दोबारा पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम यह आधा घंटा लगाया है ठीक है, तो आप इस चीज को समझे कि मैंने कितने आराम से आपको चीज बताई है ठीक है, और आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया होता है, मेल आईडी पे दिया होता है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे मैं हालांकि 2.3 एक्सरसाइज अभी आगे क्वेश्चन उसके करने वाला हूँ, अगले लेक्चर में
जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के जो 2.3 के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो कवर करूंगा उसमें कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं आपको उसका जो आपके प्रॉब्लम्स का अलग से एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, तो यू कैन वॉच। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, डिवीजन के लिए जिसमें एक्सरसाइज वीडियो होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।